नहीं वाले हैं कहीं तो हम जा पाते उसमें पैदल पैदल जाए कौन अच्छा पर मिला भी है छोटे ये सीता जी अच्छा मैं राम ये भी सही है वैसे चक्कर आ रहे हैं चक्कर आते हैं इसमें तगड़े पकड़ के रखना पड़ रहा है ओ डर लगनी भाई मजा आ रहा है इसमें यार चक्कर आते हैं इसमें भयंकर आते हैं यार जब आते हैं सिर घूम रहा है थोड़ा थोड़ा चलो अब ये वाली राइड ट्राई करते हैं पहले यहाँ से चढ़ना पड़ेगा ऊपर कितने आएंगे तो आएंगे साथ में क्या ओह माय गॉड अब आप देख सकते हैं यहाँ से एक नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है पूरे खिरसू पार्क का मैं हूँ अभी यहाँ पर चेस्ट में हाँ वही करता हूँ और काफ़ी लोग भी आ चुके हैं मौसम भी अच्छा हो चुका है अब धूप आ चुकी है गढ़वाल के मौसम से कुछ पता नहीं रहता कभी भी मौसम हो जाता है चेंज तो करते हैं यहाँ से एक स्लाइड स्टार्ट डर भी लग रहा है कहीं पैर ना टूट जाए वहाँ पे पत्थरों में ओ यहाँ से दोबारा ट्राई करता हूँ एक बार हैं हाँ हाँ एक बार और ट्राई करता हूँ हैं क्या हाँ 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 अरे पेट देखो कितना अच्छा दिखाई दे रहा है ओ दिस इज ट्रेन ये वाली राइड रह गई थी वैसे तो इसको भी करते हैं ट्राई ये मैं पकड़ूं नीचे ए भाई जय बोल दे बारी ना यार यहाँ मैंने डंडा हो रखा है तो अभी पेड़ देख सकते हैं आप सूख गया है टूट गया है मैं तोड़ दोबारा ऐसी ना ना वहाँ पर चढ़ूँगा ना यार मैं चढ़ रहा भाई तो पार्क में काफी एंजॉय करने के बाद निकल चुके हैं वापस खिरसू को खिरसू मार्केट स्लाइड ऊपर सबसे बड़ी कौन सी वाली देखो और जो ये वाला झूला है काफी बड़ा है सबसे बड़ा झूला है इस पार्क का धूप भी आ चुकी है काफी तेज और पीछे मेरे आलोक भाई हाँ डर भी लग रहा भाई तो अभी मैं और आलोक भाई साथ में झूल रहे हैं डर भी लग रहा है काफी डर लगनी भाजी जाम यार हमने उस समय बनाती थी यार वीडियो किस टाइम जब वो नहीं था कंडोलिया में मेला था हाँ हाँ उसमें बढ़िया था ओ और मौसम काफी अच्छा हो चुका है अब तो बहुत ही अच्छा मस्त है नहीं नहीं और ये बैम्बू ट्री बांस के पेड़ पतले वाला बांस ये पार्क में पतले वाला बांस है जो गांव में होते हैं काफी मोटे बांस होते हैं हाँ ये बांस है रिंगाल बोलते हैं इसको अब ये वाली स्लाइड ट्राई करने वाले हैं देखता हूँ कहाँ जा पाते हैं उसमें पैदल पैदल तो इसी रास्ते पहुंच चुका हूं मैं ऊपर और मैं जाऊंगा नीचे और वहां पे मेरा वेलकम करेंगे मनस भाई और आलोक भाई आराम से जाना पड़ रहा है क्योंकि ये थोड़ा डैमेज भी हो रखी है पैंट ना फट जाए मेरी पैदल चल लेता हूँ अब तो चलो जी तो जो ये आपको सामने दिख रहा है हट
ये पहले यहाँ से पूरे पार्क को देख सकते थे कि क्या क्या हो रहा है पार्क में, है ना? जब सेबों का होता। अच्छा, पहले सेब का बगीचा था ये? हाँ, पूरा। अच्छा, तो ये खिरसू पार्क पहले सेब के बगीचे थे यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कौन कौन से पेड़ है अभी यहाँ पर लगे हुए। बांज, देवदार, ब्रांस, काफल, पॉपलास, यूकेलिप्टिस, सुरई, नाशपति, मेरुल। पता नहीं, मुझे तो यही पता है, बांज, देवदार, ब्रांस, काफल, यूकेलिप्टिस पता है, ये तो नहीं पता है बाकी। और यहाँ पे इंग्लिश में इनके नाम लिखे हुए हैं। तो पहले ये मनस भाई बता रहे हैं कि पहले ये सेब का बगीचा था। सेब के बगीचे को देखने के लिए यहाँ पर बना हुआ था कुछ हाइट में देखने के लिए, जिससे कि पूरे बगीचे की निगरानी रखी जा सके। और निकल चुके हैं हम वापस रोड को, कुछ खाते हैं क्योंकि भूख भी लग चुकी है अब तो, गर्मी भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि धूप आ चुकी है। व्यू और ये पार्क का नाम वन मनोरंजन केंद्र खिरसू, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी गढ़वाल। देखते हैं अब कुछ खा लेते हैं यहाँ पे। गाड़ी यहीं पर रख रहे हो कि नहीं? बाइक तो यहीं पे रहने दो ना। बाइक यहीं पर रखो, यहीं पर रखो। खिरसू घूमने के बाद हम निकल चुके हैं थोड़ा खिरसू से आगे, वहाँ पे कुछ भूख लगी है हमको, तो कुछ खाते हैं वहाँ पर। आगे आगे जा रहे हैं मानस भाई, आलोक भाई और मैं पीछे से। अब वैसे रोड काफ़ी अच्छी बन गई है, अब चलाने में बाइक मजा आ रहा है। यहाँ से कर देते हैं बाइक को न्यूट्रल। फिर से ठंडी स्टार्ट हो गई है फिर से। हाँ, रियली यार, अब तो काफ़ी ठंड लग गई है। अभी जैकेट ही पहनी हुई थी मैंने, विंडशील्ड पहना हुआ था मैंने, बट अब निकाल देते जब धूप आई थी। और मैं अभी आपको दिखा दो, ये सामने खिरसू है पूरा, अभी वहाँ गए थे, वो वाला फील्ड है। और थोड़ी देर बाद यहाँ कुछ खाने के बाद हम निकलेंगे सीधा घर के लिए। आलोक भाई जाएगा पौड़ी और मैं जाऊँगा सीधे गांव गंडियार होकर। और यहाँ से व्यू देखो गाइस, कितना अच्छा है खिरसू का। अभी हम इधर ही गए हुए थे, सामने फील्ड, ये बासा होम स्टे, ये दो होटल है यहाँ पर। तो आप कभी अगर खिरसू आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। और यहाँ से जो हिमालय की पीक्स दिखाई देती है, वो भी मैं आपको वीडियो में फ़ोटो ऐड कर दूँगा, कि जो हिमालय आज साफ नहीं दिखाई दे रहा है मौसम की वजह से। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं घूमने के लिए, तो आप अगर आपको स्नोफॉल देखनी है तो जनवरी फरवरी के महीने में आ सकते हैं। वैसे अगर आपको सर्दियों में नहीं आना, तो जून जुलाई का जो मंथ होता है वो काफ़ी अच्छा होता है घूमने के लिए यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम गर्मियों का टाइम होता है और जो खिरसू की ठंड होती है वो काफ़ी अच्छी लगती है। एसी वाली हवा चलती है यहाँ पर, टेम्परेचर यहाँ पर भी सही रहता है, 18-20 रहता है गर्मियों के टाइम भी। और आप देख सकते हो रोड गीली है, पाला पड़ा हुआ है। खेड़ाखाल पड़ता है यहाँ से 30 किलोमीटर, जो कि रुद्रप्रयाग में पड़ता है, वहाँ से स्टार्ट हो जाती है रुद्रप्रयाग की बाउंड्री। और खेड़ाखाल से इधर पौड़ी का एरिया, और ये नीचे जो आगे रोड आएगी वो लेफ्ट साइड से वो जाती है श्रीनगर के लिए। हम पहुँच चुके हैं वहाँ पर जहाँ पर हम खाने वाले हैं, कुछ यहाँ से है खांकरा 38 किलोमीटर, जो कि रुद्रप्रयाग में पड़ता है। और यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा देर और कुछ खाते हैं। ओहो, पुरानी ज़माने वाली जीप, महिंद्रा की थार जैसी लग रही है। पहले ऐसी जीप बहुत चलती थी गढ़वाल में।
तो अब हम निकलने ही वाले हैं यहाँ से, खाना हमने खा लिया है और देखते हैं कितना टाइम लगता है घर पहुँचने में। आलोक भाई भी रेडी हो चुके हैं और पीछे मानस भाई। वेयर इज माइक की चाबी इसमें लगी हुई क्या? ग्लव्स भी पहन लेता हूँ ना, चाय पियेंगे ना वहाँ पे। ग्लव्स तो यही है यार, मेरे वाले ग्लव्स पता नहीं कहाँ गए बाइक वाले। कोई बात नहीं, ठंड तो बचा रहे हैं ना। कुछ तो छूटा यहाँ पे यार, तो गाइस निकल चुके हैं हम खिरसू से। तो आज मानस भाई ने हमें खिरसू काफ़ी घुमाया, मतलब मज़ा आया काफ़ी। तो ठीक है मानस भाई, फिर मिलते हैं। ओके, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, मिलते हैं तब। ठीक है, जल्दी। और पौड़ी है यहाँ से 18 किलोमीटर, बुआखाल 13, कठुली नीचे 10 किलोमीटर। और पहुँचने ही वाले हम दोबारा से चौबट्टा। चौबट्टा का बोर्ड है यहाँ पे, चौबट्टा लिखा हुआ था बट अब चौबट्टा कर दिया गया है। बहुत ही अच्छा। तो आलोक भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा चाय पी लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं। तो 5 मिनट हम यहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे सीधा घर के लिए। हो चुकी है दोबारा से धूप। वाव, व्हाट अ सनी व्यू। एकदम ऐसा होता है ना कि जैसे कि एकदम से ठंड से आके एकदम से धूप में आए हम, तो काफी अच्छा लगता है, मजा आता है बिल्कुल। और पौड़ी यहाँ से है 13 किलोमीटर, तो हमारा घंडियाल भी यहाँ से 13 किलोमीटर ही होगा। तो जो हमें 20 मिनट लग जाएंगे पहुँचने में, हम चल रहे हैं धीरे धीरे। द स्पीड इज 27 राइट नाउ। तो मिलते हैं आपको आगे। ठीक है भाई, मिलते हैं तब। ओके ठीक है फिर। नमस्ते, ठीक जा तुम? अरुण माँ तुम्हें एक नहीं चाहूँ एक बार श्रीनगर, तुम्हें एक नहीं चाहूँ श्रीनगर एक बार साइकिल, जब तुम मुझे साइकिल ले चाहूँ। हाँ हाँ, बिक्की बिक्की सामान उधर ना, चले बाइक में नहीं जाना पड़ता कब सामान उतर ध्यान दे। हाँ तुम थे यहाँ काम तकड़ों को? दगड़े लाए मेरे। अच्छा, तभी एक दगड़े यार। अरे कोई पता नहीं जाए को। तो ये तो
के पता हम फेमस हम तो मिन तो नहीं बोल मैं नो नो दगरे कुछ ही बोल दिया तुम नो ही ले दिया गोल गोल बोल दिया गोल फेमस दगरे जा गोल बोल दिया गोल में नो नंबर 1 दगरे जा पहले कौन अच्छा पर मैं लंबी हो गई छोटी ये सीता से अच्छा मैं राम लक्ष्मण मोटो हूं ना राम हूं राम लक्ष्मण हूं तो गुस्सा बाज गुस्सा बाज को तुम दिन आते नु से ना कोई नहीं है तुम बना जन लक्ष्मण गुस्सा बाज ना 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 ये पता नहीं मैं नहीं पता ना ना हम बहुत गुस्सा में बट ढंग से रहे हैं आइए ना आंजो आंजो तो यही चमर घर था वो होगा आना जो है मिन्नो को आंजो 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 भाई थोड़ा धीमे चलान भाई बात धीमे चलो हम नहीं सोने ले अबे तो अभी गोली मैं ना मैं गोली चाहूँ वो बेरा गोली गोली कौन चावल सब यार वो धरती गोल चे आसमान गोल तो लोड़ी भी गोली तो आठ बन मेरे डॉलर में साली डॉलर ही तू जने रहो लेकिन सामने तू बेन कम चलान रहो तो दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं घंडियाल में। यहां से हमारा गांव है 5 किलोमीटर। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। तो ऐसी वीडियो को लाइक करते रहिएगा और देखते रहे ट्रैवल विद कमल। टिल देन बाय बाय सी यू टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।